नमस्कार देवी और देवता, मैं जीत आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल कंप्यूटर बाब पर। हम लोग एंगुलर में एट्रीब्यूट डायरेक्टिव को देख रहे हैं कि कैसे बना सकते हैं। लास्ट की जो दो वीडियोस थी उसमें हमने थोड़ा बेसिक देखा, इनपुट प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा। इस वीडियो में देखेंगे कि अगर मल्टीपल इनपुट प्रॉपर्टीज़ हमें भेजनी हो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव को तो हम लोग कैसे भेज सकते हैं। लास्ट टाइम हमने सेम नेम इनपुट मैकेनिज्म को समझा था कि जब हमारा डायरेक्टिव का नाम, जो सिलेक्टर का नाम होता है वही, और साथ में इनपुट का जो नेम है वो भी सेम हो, तब हम लोग उस मैकेनिज्म के थ्रू कैसे प्रॉपर्टीज़ को पास कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे अलग अलग हमें अगर भेजनी हो प्रॉपर्टीज़, जो हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि कैसे अगर मैं साइज़ चाहता हूँ अलग से इनपुट प्रॉपर्टी जाए, माइम चाहता हूँ अलग से जाए, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ऊपर वाले जो दो एग्जाम्पल थे उनको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और नीचे की तरफ हम लोग आते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा कि डायरेक्टिव मेरा अप्लाई होगा। अब मुझे भेजनी क्या है, दो प्रॉपर्टीज़ भेजनी है। आता हूँ यहाँ पे फाइल इनपुट के अंदर, इनपुट प्रॉपर्टी ही हम लोग लेंगे। इनपुट प्रॉपर्टी लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर आ जाते हैं, इनपुट प्रॉपर्टी। वैसे इनपुट प्रॉपर्टी हमें लेनी किसके लिए है, साइज़ के लिए लेनी है ताकि रिस्ट्रिक्शन लगा पाएँ, और साथ में माइम के लिए लेनी है। तो माइम वाली भी मैंने बनाई रखी है, अलाउड साइज़ वाली भी बनाई रखी है, तो इन्हीं का मैं यूज़ कर लेता हूँ, बस इनको पब्लिक बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि इनपुट जो है साइज़, आउटसाइड के लिए मैं इसको साइज़ का इस्तेमाल करने वाला हूँ और इंटरनली मैं इसको अलाउड साइज़ के लिए यूज़ करूँगा। तो ये वाला तो हो गया हमारा अलाउड साइज़ वाला। इधर आ जाते हैं माइम वाला, हमारे पास जो है माइम के लिए भी क्या करता हूँ, इसको इनपुट प्रॉपर्टी ले लेते हैं कि इनपुट, और ये इसका तो रीनेम करने की कोई जरूरत है नहीं। माइम वो हो सकता है यूज़र एक भेजे या मल्टीपल भी भेजे, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि स्ट्रिंग भी हो सकता है या स्ट्रिंग का एरे भी हमारे पास हो सकता है। ठीक है जी, ये दो प्रॉपर्टीज़ मुझे सेट करनी है और इसी के ऊपर वैलिडेशंस वगैरह लगानी है। आ जाते हैं ऐप कॉम्पोनेंट के अंदर, यहाँ पर फाइल इनपुट डायरेक्टिव तो लग गया इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी सेट कर सकता हूँ। याद रखिए कि उस डायरेक्टिव का लगा रहना जरूरी है, अगर वो डायरेक्टिव नहीं लगा हुआ तो आप उसकी इनपुट प्रॉपर्टीज़ भी सेट नहीं कर सकते हो। कैसे करेंगे, एट्रीब्यूट के तौर पर मैं कहूँगा साइज़, कि इसका जो साइज़ है वो अराउंड 1 MB रहना चाहिए। देन उसके बाद मैं कर सकता हूँ माइम, जो माइम है वो रहनी चाहिए, मैं कह देता हूँ PDF। अभी सिंपल ये वाला लेके चलते हैं कि जब एक ही आपके पास हो, मल्टीपल वाले पे भी आएंगे हम लोग। ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर अगर आप करना चाहो तो इसको डायरेक्टली प्रॉपर्टी बाइंडिंग के साथ भी कर सकते थे ऐसे करके, कि साइज़ ये हो माइम ये हो, दोनों आपकी चॉइस है। पर इस प्रॉपर्टी बाइंडिंग वाले में फिर इसको मुझे स्ट्रिंग के तौर पर ऐसे भेजना पड़ता है। दोनों ही सही है, जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इसकी सेट हो जाएंगी, चेक भी कर लेते हैं कि सेट हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पर जो हमारा ऑन फाइल इनपुट चेंज है, जब भी चेंज इवेंट आता है, तो मैं कॉन्सोल पे लॉग तो कर ही रहा था कि माइम और अलाउड साइज़ बताओ, देख लेते हैं कि क्या है। ब्राउज़र में आता हूँ, चूज़ फाइल करता हूँ, तो PDF और ये वाला आ गया हमारे पास, ठीक चल रहा है, हो गया है अप्लाई, मतलब इनपुट प्रॉपर्टीज़ हमने सेट कर ली। अब हमें करना क्या है कि माइम वाला जो था उसमें सिंगल भी हो सकता है स्ट्रिंग डायरेक्टली, और हो सकता है कि हम उसको पूरी की प्रॉपर एरे भी भेजें कि ये वाली वैलिड है। तो उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा माइम सेट हो, माइम यहाँ पे सेट हो, तो क्या करेंगे हम लोग, सेटर बना लेते हैं, कि सेट लेते हैं इसका भी, और यहाँ पर होगा या तो एक वैल्यू होगी या फिर लिस्ट होगी, यही चीज़ होगी ना कि वैल्यू और लिस्ट। ठीक है, मैं ng on changes भी कर सकता था, लेकिन एक के लिए मैं क्या ng on changes लगाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सेटर लगा दिया। तो इसका जो माइम का है वो हमें वो भी लेना पड़ेगा, प्राइवेट ले लेते हैं, अंडरस्कोर माइम, और देन इसके बाद स्ट्रिंग भी हो सकता है ये, और स्ट्रिंग का ये वाला इस तरह से भी हो सकता है, ये वाला इसमें मैं सेट कर दूंगा। कैसे करूंगा कि माइम जो है यहाँ पे कर देते हैं एरे इज एरे, कि अगर एरे आ रहा है, वैल्यू और लिस्ट एरे है तो एरे यूज़ कर लो, अदरवाइज क्या यूज़ करो आप, वैल्यू और लिस्ट को एरे में डाल के यूज़ करना, तो इससे एरे ही हमारा यूज़ होगा, ये वाली चीज़ हम इस तरह से कर देते हैं। और फिर मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से, कि भाई स्ट्रिंग का क्या रहेगा, एरे ही रहने वाला, इनपुट आपका ऐसे हो सकता है लेकिन ये एरे रहने वाला है इस तरह का आपका, और इसको शुरू में हम लोग ना ब्लैंक ही कर देते हैं, ये ठीक है, सही है जी। अब क्या होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, ऐसे भी भेज सकता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर अगर मैं यूज़ करना चाहूँ कि PDF भी हो सकता है, साथ ही आपका GIF हो सकता है, ये ले लो या JPG ले लो। ऊपर वाला थोड़ा कमेंट कर देते हैं, अब देखते हैं नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन भी हमारी सेट हो रही है कि नहीं हो रही है। चूज़ फाइल करते हैं, अनडिफाइंड नहीं हो रही सेट, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमने दिस डॉट माइम यहाँ पे लिखा है, दिस डॉट अंडरस्कोर माइम के तौर पे यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि गेटर तो मैंने इसका बनाया नहीं कोई, क्योंकि सेटर सेटर था इसलिए हो रहा था। आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए आपको, प्रोग्रामर यही है कि देखिए आउटपुट आ गया। देखिए मैं क्या कह रहा था प्रोग्रामर के बारे में, कि प्रोग्रामर होना इसी तरीके से चाहिए कि वो
जब कोड कर रहा है साथ ही उसके माइंड में कंपाइलर चल रहा हो कि ये कंडीशन ऐसी है, यहाँ पे ये केस हो सकता है, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, ऐसे हैंडल करना वो करना है। कोडर मत बनिए, प्रोग्रामर बनिए। डिफरेंस क्या होता है कभी एक वीडियो में समझाऊंगा, तो अभी तो ये हमारा सही चल रहा है यहाँ पे इतना। अब वैलिडेशन भी लगा लेते हैं कि भाई जब फाइल इनपुट होगा हमारे पास, अगर वैलिडेट कर देते हैं तब तो फिर हम ये सारा काम करेंगे, अगर वैलिडेट नहीं होगा तो हम ये सारा काम नहीं करेंगे। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, इस वाले को। इधर आ जाते हैं हम लोग, एक फंक्शन बना लेते हैं पहले तो, प्राइवेट वैलिडेट फाइल, और इसमें फाइल पास कर देंगे कि ये वाली फाइल मेरी रही। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट फाइल टाइप और साथ में कॉन्स्ट फाइल साइज, फाइल का साइज क्या रहेगा, फाइल का साइज क्योंकि मैं एमबी में लेके चल रहा हूँ, रिस्ट्रिक्शन जो है मतलब एमबी में कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको मैं ना, रिस्ट्रिक्शन जो आएगी वो लिमिट आएगी यहाँ से, मैं एमबी में सेट कर रहा हूँ इसको। देन इसके बाद हमारा टू फिक्स्ड कर देते हैं इसको 2 ही डेसिमल प्लेस तक, और इसलिए मैंने प्लस लगाया था ताकि ये नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे चेक करना है सिंपल सा, कॉन्स्ट इज साइज वैलिड। कैसे करेंगे, दिस डॉट अलाउड साइज, अगर देखो 0 आ रहा होगा तब तो मतलब अगर किसी ने कोई सेट ही नहीं किया तब तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि भाई ट्रू ही होगा, तब तो आपका अलाउड साइज रहेगा, 0 आ रहा तो ठीक है मतलब अलाउ साइज हमने सेट ये किया। अदरवाइज क्या है कि जो भी आपका फाइल का साइज है वो मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए दिस डॉट अलाउड साइज के। देखो यहाँ पे ये चीज़ ये होगी कि अगर किसी ने सेट ही नहीं किया, हमने सेट ही नहीं किया तो ये ट्रू डाल देगा ऑटोमेटिकली, वैलिड है। अगर किसी ने सेट किया हुआ है तो फिर हम भाई इसका यूज़ करेंगे ना, और इसमें भी पहले इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर लूँगा क्योंकि ऊपर जो आ रहा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है, हमारे पास हो सकता है नंबर भी हो बट मैं यहाँ पे नंबर में कर रहा हूँ। नंबर में अगर नहीं हो पाता तो 0 ले लेना बाई डिफॉल्ट, ये सिंपल सा ऐसे मैं कह रहा हूँ उसको। कंडीशन क्या लगाएंगे हम लोग, इफ़ कि अगर मेरा जो है साइज़ वैलिड नहीं है, इज़ साइज़ नॉट वैलिड, ऐसे करेंगे। यहाँ पे रिटर्न क्या कर देंगे हम लोग, इज़ वैलिड फॉल्स, और मैसेज में कुछ मैसेज डाल देंगे, मैसेज डाल दिया लार्ज साइज़ नॉट अलाउड, ये मैंने कर दिया। अब अगली क्या कंडीशन लेनी है हमें, माइम के लिए लेनी है। माइम के लिए कैसे करेंगे, कॉन्स्ट इज़ माइम अलाउड वैलिड, वैलिड कर देते हैं इस माइम वैलिड, कि अगर दिस डॉट माइम जो है डॉट लेंथ अगर वो इक्वल इक्वल टू 0 है तब तो मतलब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर माइम सेट ही नहीं की गई तो तब तो वैलिड ही मान लेंगे इसको। अदरवाइज क्या करो, दिस डॉट माइम डॉट सम, कि सम इसके अंदर आएगा हमारे पास एम इक्वल टू, जो हमारी फाइल टाइप है वो मस्ट बी इंक्लूड होनी चाहिए इस माइम से। यहाँ पे आएगा दिस डॉट अंडर स्कोर माइम, इसको ऐसे कर देता हूँ, और ऊपर वाले में भी फिर हम ऐसे ही कर सकते थे, मैंने टर्नरी ही लगा दिया, और लगाना था इसको लेस देन इक्वल टू, ठीक है जी। कि अगर माइम साइज़ आपका माइम अगर आ रही है तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या किसी से मैच करता है कि नहीं करता, सम और एवरी आपको पता ही होगा जावास्क्रिप्ट वाला। यहाँ पर लेंथ वाले में तो अगर लेंथ सेट ही नहीं तो बाय डिफॉल्ट माइम ट्रू ही होगी, अदरवाइज़ क्या होगा कि चेक करके बताओ कि क्या वैलिड माइम है या नहीं, अगर माइम गिवन थी हमने लिस्ट। इसमें भी यही कंडीशन लगा देंगे इफ़ वाली, कॉपी पेस्ट ही मार लेता हूँ, इज़ माइम वैलिड फॉल्स, और इधर माइम वाले में हम लोग क्या लिखेंगे, मीडिया टाइप नॉट अलाउड, और इसके अंदर लिख देते हैं दिस डॉट अलाउड साइज अलाउड माइम, या फिर माइम जो होंगी हमारे पास डॉट जॉइन, ऐसे कर देते हैं तो तोड़ के वो दिखा देगा। अदरवाइज क्या होगा, रिटर्न इज वैलिड ट्रू, ठीक है। ये फंक्शन तो हमारा बन गया। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर जब फाइल इनपुट चेंज इवेंट आएगा सबसे पहला काम यही करूँगा, कॉन्स्ट वैलिडेशन रिजल्ट, ये वैलिडेट करो भाई जो दिस डॉट वैलिड फाइल, कि क्या वैलिडेट, वैलिडेट फाइल कि वैलिड फाइल है कि नहीं, कौन सी फाइल, ये वाली जो फाइल है हमारे पास। कहेंगे इफ़ वैलिडेशन रिजल्ट क्या है हमारे पास, नॉट वैलिड मतलब कि सही नहीं है, तो रिटर्न कर जाएंगे फिर तो हमें मतलब यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सेटिंग वेटिंग। बट करने की क्या जरूरत है, अगर पहले से ही कोई सिलेक्ट कर रखा है तो सारा वो वॉश कर देना, मतलब अगर ऐसा होगा ना कि पहले मैंने सिलेक्ट कर दी सेटिंग होगी सारी, बाद में कोई ऐसी चीज़ सिलेक्ट कर दी जिसमें क्या है कि वो वैलिड नहीं था, तो पिछले वाला जो था वो सारा उड़ाना पड़ेगा ना, कि वैल्यू भी कुछ नहीं है, फाइल नेम भी कुछ नहीं है, तो क्लीन करना पड़ेगा, दिस डॉट क्लीन कर देते हैं, क्लास क्यों आ रहा है, क्लीन ऐसे कर देंगे। यहाँ पर आ जाते हैं प्राइवेट क्लीन, क्लीन में क्या करना है, सबसे पहले तो दिस डॉट वैल्यू जो है वो इक्वल टू अनडिफाइंड कर देनी है। अनडिफाइंड यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको ऑप्शनल करना पड़ेगा, नहीं तो वो अननोन एज करके करना पड़ता है मेरे को टाइप कास्टिंग। दिस डॉट इनपुट रेफरेंस डॉट वैल्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो आपका इनपुट है एक्चुअल एलिमेंट है उसकी जो वैल्यू है उसको भी आप क्या कर दो, अनडिफाइंड सेट कर दो,
इसको करना पड़ेगा अननोन एज स्ट्रिंग करके, क्योंकि उसको भी हमें वो करना है ना, बिल्कुल ब्लैंक बना देना जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी इनपुट बॉक्स की। ये तो हमारी अंदर हमने स्टोर करी थी वो वैल्यू को बना रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, दिस डॉट इस इमेज को कर देंगे फॉल्स, और दिस डॉट फाइल नेम जो है उसको भी क्या कर देंगे अनडिफाइंड कर देंगे, दिस डॉट फाइल यूआरएल को भी क्या कर देंगे अनडिफाइंड कर देंगे। कंसोल पे एक बार यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग चेक कि हमारा इतना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैलिडेशन रिजल्ट, काफ़ी कुछ लिख दिया हम लोगों ने, देख लेते हैं एक बार चला के। चूज़ फाइल में आते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ एम्प्टी, तो क्या लिखा है इज़ वैलिड फॉल्स, कि भाई फॉल्स है ये आप नहीं कर सकते हो। मीडिया टाइप नॉट अलाउड, कौन कौन सी हैं सिर्फ अलाउड, PDF, JPG और PNG। ठीक है जी, अगर मैं सही करता हूँ तब कोई दिक्कत नहीं, इज़ वैलिड ट्रू आ गया हमारे पास। ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान दी, यहाँ पे नाम आ रहा लिखा हुआ, जैसे मैं करता हूँ ये वाली कोई जो ख़राब है तो ये हट भी जाता है। वो दिस डॉट इनपुट रेफरेंस डॉट वैल्यू इक्वल टू मैंने अनडिफाइंड किया था तभी करके वो हट भी जा रहा है इधर से, अगर वो ना करता तो यहाँ से हटता भी ना। दिखाऊँ, देख ही लो, इसको कर दिया मैंने कमेंट। अब देखो ज़रा यहाँ पे MD करा, अब क्या हुआ, इधर अभी भी लिखा आ रहा है। तो यही चीज़ हटाने के लिए मैंने वहाँ पे क्या किया था ना, इसको लिखा था। अब सिंपल कोई करता हूँ चूज़, रीलोड हो गया था पेज तो सही है। साइज़ की रिस्ट्रिक्शन भी यहाँ पे मैंने लगाई हुई थी जोन से, कि इतना साइज़ का होना चाहिए तो उतना ही होगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ 0.1 तब देखें, कोई इमेज बड़ी ले लेते हैं, फॉल्स, लार्ज साइज़ अलाउड साइज़ यही है सिर्फ आपका। तो दोनों रिस्ट्रिक्शंस हमारे यहाँ पे चल गई। तो यहाँ पे अगर आप सिंगल भेजते हो तो भी काम कर जाएगा हमारा, अगर ऐसे भेजते हो तब भी हमारा काम कर जाएगा माइन टाइम, क्योंकि सेटर हमने यहाँ पे लगाया था। जो हमने इसमें किया ना, इसमें दो इनपुट प्रॉपर्टीज़ हमने सेट करी, माइम वाली और एक साइज़ वाली, फिर वैलिडेशन लगाई, बस इतना काम हमने यहाँ पे किया और कुछ खास नहीं किया अभी हमने। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसके अंदर हम देखेंगे कि अभी हमने वैल्यू वैल्यू तो सेट कर दी, लेकिन इवेंट इमिट भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो इसका कोई यूजफुलनेस आएगी हमारे पास। अगर इसका यूज़ ही नहीं होगा कुछ तो क्या फ़ायदा। तो जो आपने यहाँ पे ये वैल्यू सेट करी हैं, ये वाली, ये फाइल URL और ये सब चीज़, ये आउटपुट भी देंगे ना, हम इवेंट इमिट करेंगे कि ये रहा, ताकि इसको लिसन कर पाए और काम कर पाए कुछ। और अगर एरर आएगी तो उसका एरर का कुछ हम लोग एक इवेंट जनरेट करेंगे, ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक हमने देख लिया कि एट्रीब्यूट डायरेक्टिव हमने बनाना कैसे है, दूसरी वीडियो में देखा कि सेम नेम इनपुट मैकेनिज्म क्या होता है, इस वीडियो में देखा मल्टीपल इनपुट्स कैसे आप सेंड कर सकते हो उसको। वीडियो तो पसंद आई होगी, लाइक करके जाना, प्यार दिखाए रहना, और आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार भी लिखो कि कैसी लग रही है सीरीज़, या आप क्या चाहते हैं इसमें, या कुछ भी आपका जो भी आपका दिल करे। चैनल को सब्सक्राइब भी करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप लोग इस तरह से ऐसा कंटेंट देखते रहें। शेयर भी करना दूसरे अपने कलीग्स के साथ, मित्रों के साथ। आप लोग मुझे डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कशंस के लिए, वो एक छोटी सी हमारी कम्युनिटी, उसको बड़ा भी करना है तो सपोर्ट दिखाइए, वहाँ भी ज्वाइन कीजिए। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।